सरकार की नीतियां हैं और उसके बाद ये मार पड़ने वाला बजट, ये सब मिला के नीचे गरीबों की, मजदूरों की और आम लोगों की हालत लगातार खराब हुई है और उसके खिलाफ हम लगातार सड़क पे हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। पूरे देश भर में बजट के खिलाफ प्रचार करने के बाद आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आए प्रदर्शनकारियों से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बजट के कई प्रावधान सीधे सीधे मजदूरों और किसानों के खिलाफ हैं। मनरेगा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मनरेगा के आवंटन में कटौती की गई है, जिससे काम के जो मिलने के दिन थे उनमें भी कटौती आई है। तमाम संगठनों के लोगों ने यहाँ पर अपनी बात रखी है, सुनिए उन्हें। ऐसा है कि बजट तो जो सरकार ने पेश किया और फिर बड़ा जोर जोर शोर से ढिंढोरा पीटना शुरू किया कि यह समाज के हित में है और सबके बड़े फायदे में है, तब बजट की स्टडी करते हैं तो पता पाते हैं कि जो सरकार ने अब तक ऐलान किए हैं उससे सबसे मुकर गई। बजट वो है जिसमें सरकार ने जो जो आज तक ऐलान किया उससे सबसे पलट गई। उन्होंने कहा कि हम देश में सामाजिक सुरक्षा के कानून को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, उसमें ज़्यादा बढ़ाएंगे, हो रहा उल्टा। दलितों का, मुस्लिम का, आदिवासियों का जो बजट में हिस्सा होता था उसमें बड़े पैमाने पर कटौती कर दी। इन्होंने कहा हम देश भर में खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्न को नीचे तक लोगों को पहुँचाने का काम करेंगे, लेकिन देखने में जो बजट का हिसाब किताब है उससे बहुत साफ है कि जो मिल रहा था उसमें भी कमी हो गई। ऐसा लगता है कि जब निर्मला सीतारमण बजट बना रहे थे तो ग्रामीण भारत, रोजगार, नौजवान, ये चीज़ें उनके दिमाग में बिल्कुल थी ही नहीं। पूरे ग्रामीण भारत का जो मद है, रोजगार का मद है, उसमें कटौती की गई है। मनरेगा जो इसमें बहुत बेहतरीन उपाय हो सकता था ना केवल रोजगार देने का, पर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको दोबारा से उभारने का, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। और ऐसे समय में जब सब ये सोच रहे थे कि 2,60,000 के हज़ार करोड़ के आसपास की ज़रूरत है जो अभी लोग हैं उनको 100 दिन का रोज़गार देने के लिए, आपने कम कर दिया। ये बताता है कि आपकी प्राथमिकता ना तो ग्रामीण भारत के मेहनतकश है, ना ही उसका विकास है, और ना केवल उसमें, आप एक तो इस मद में कम कर रहे हो, दूसरा फूड सिक्योरिटी के मद में भी कम कर रहे हो, और भारत वैसे ही कुपोषित राष्ट्र है। तो ऐसा ही लगता है कि अब तो भाजपा सरकार जो पहले दिखाने के लिए जनहितैषी होने का एक दावा करती थी, दिखाने की कोशिश करती थी, अब तो नंगई के साथ, कॉरपोरेट के साथ खड़ी है और जनता के खिलाफ ये जो बजट पेश किया है। केंद्र की सरकार जो लगातार मजदूरों, गरीबों, आम आदमी पार्टी के लिए जो भी बजट आवंटन थे उसको लगातार कम कर रही है। मनरेगा का बजट को कम किया गया है। मजदूरों के लिए सरकार श्रमेव जयते का नारा दे के आती है और सारे लेबर कोड को ख़त्म करती है। नया जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कानून लाया गया है उसमें पैसा कहाँ से आएगा इसका प्रोविज़न भी नहीं है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। नई शिक्षा नीति जो लाई गई है वो प्राइवेटाइजेशन का एक मसविदा है। तो इस प्रकार चौतरफे तरीके से सरकार गरीबों, आम आदमी, कमज़ोर तबकों को मारने का प्रयास कर रही है। उसके विरोध में हमने 22 से 28 तक का ये प्रदर्शन किया है अलग अलग क्षेत्रों में करते हुए, आज हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। देखिए, गृहस्थी पर तो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है। एक तो जो कोविड महामारी के बाद में जो आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए वो नहीं हुई है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, गैस सिलेंडर का दाम 1100 रुपये हो गया, दूध के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कल कहाँ 60 रुपये किलो दूध हो गया है। तो गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गया है, रोज़गार नहीं है। आज जो घरों में महिलाएं पीस रेट पे काम करती थी वो भी काम बंद हो गया है। जो झाड़ू पोछा का काम करने वाली महिलाओं को पूरा पैसा नहीं मिलता है। तो जो मजदूर तबके का है उनको आज रोज़गार न होने के कारण महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, राशन नहीं मिल रहा है। तो ये मार तो महिलाओं के ऊपर आ रही है। मजदूरों
के जो ऐसे श्रम कानून लेकर आई है जो आज मजदूर अपनी मांग के लिए अपनी मांगता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, तो ये सारा असर महिलाओं के ऊपर पड़ता है। हमारे देश के सभी सार्वजनिक संपत्ति जितनी है, जिसके मालिक आप और हम है, देश के लोग है, उसकी जो है निजीकरण होने के नाम से उसकी लूट मची हुई है। आज तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए के जो कर्जे जो ये बड़े पूंजीपतियों ने बैंकों से ली, बैंकों से कर्जे का मतलब क्या है? आपका खाता जो बैंक में है, हमारा खाता जो बैंक में है, यही तो पैसा है जो कर्जा लेते हैं ये बड़े पूंजीपति, और अपने पैसे को वो कर्जा लेकर वो जो है उसको वापस नहीं दे रहे। तो 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ये मोदी सरकार ने बड़े पूंजीपतियों के लिए जो कर्जा लिया गया उसको माफ कर दिया। जब सारी चीजों में आप कटौती चले जाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में जो मिडिल क्लास का आदमी सोचता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूंगा, आप देखिए शिक्षा के बजट में कितनी भारी कटौती किया है। आने वाले समय में मिडिल क्लास हो, आम आदमी हो, बच्चों को शिक्षा कहाँ दे पाएगा? यहाँ 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपया फीस होगी, तो जो 12,000-14,000 में DU में पढ़ लेते थे, आने वाले समय में अगर 1 लाख फीस हो जाएगी तो कौन बच्चा पढ़ पाएगा? तो ये आने वाले समय में लगातार उनको भी पता लगेगा कि उनको कितना फायदा हो रहा है। लेकिन ये बात अपने आप में है कि जब ये आर्थिक उदारीकरण की नीतियाँ आईं, आज इन्होंने इस बजट के माध्यम से फिर से ये पेनिट्रेट करने की कोशिश किया है। जितना भी स्कीम वर्कर्स है उनको सबको रजिस्टर पे लाओ, मनरेगा में जो 100 दिन का काम था कम से कम 100 दिन तो बरकरार रखो, 100 दिन का घटते घटते 63 दिन का काम हो गया, तो आप किस क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं, किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? इसलिए ये मांग किया गया है कि वो 100 दिन या इससे अधिक इसको बजट के जरिए बढ़ाया जाना चाहिए। मनरेगा में बहुत भारी कटौती की, इस तरह से 5-6 सूत्री मांगे शिक्षा क्षेत्र में, नई जो शिक्षा नीति आई है जो आने वाले समय में पूरी शिक्षा को बर्बाद करने का सवाल है, इतिहास को नए सिरे से लिखने का सवाल है, यानी जो इतिहास था आज ये अपने तरीके से इतिहास लिखने की बात कर रहे हैं, पढ़ाने का अपने आप अपने तरीके से पढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसके सारी चीज़ों के खिलाफ आज हमारा संघर्ष है और ये संघर्ष चलेगा। ये खतरा नहीं मोल लिया है, ये जो सरकार है उसने बड़ी मजबूती के साथ कॉरपोरेट को ये संदेश दिया है कि भाजपा कॉरपोरेट के साथ खड़ी है, ताकि कॉरपोरेट आने वाले चुनाव के अंदर भारी चंदा उनको दे। मुझे ऐसा लगता है कि जो भाजपा सरकार है एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई है जहां पर उनको लगता है कि उनका जो चुनाव को मैनेज करने का स्किल है, आपका पैसे के जरिए और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए, वो इतना खुमारी उनके दिमाग के अंदर आ गई है कि भारत के जनतंत्र को वो मैनेज कर सकते हैं और आने वाले चुनाव को भी अपने सांप्रदायिकता और धन के जरिए वो मैनेज कर लेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि लोक लुभावना जिसको बजट बोलते हैं वो पेश करने का एक जेस्टर भी उन्होंने नहीं दिखाया है। ये कोशिश है कि बड़ी मजबूती के साथ वो कॉरपोरेट के साथ खड़ी हुई है, हालाँकि जनता के अंदर जो गुस्सा है, जो एंग्विश है, उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा।